हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ करवा चौथ स्पेशल। तो जैसा कि आप लोग को पता है, कल है करवा चौथ। तो मैं आज करवा चौथ के लिए कुछ प्रिपरेशन की हूँ जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कल रहेंगे एकदम भूखे प्यासे रहेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो आज कुछ कुछ, कल क्या पहनना है, सारा मेकअप वेकअप, जितना कपड़े अरेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं सारा आज अरेंज करके रखी हूँ। तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए इस पे, जो आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है कल के लिए। तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे। तो मैं कल क्या क्या पहनूंगी, क्या मेकअप करूंगी, कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, कौन सा बैंगल्स पहनूंगी, तो मैंने सारा सब कुछ इकट्ठा किया है और ये वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप भी एक दिन पहले सब कुछ अरेंज करके रख लें ताकि आपको पूजा के दिन आसानी हो। अगर आप पहले से सब कुछ इकट्ठा करके रखेंगे तो जल्दी जल्दी आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। स्टार्ट करने से पहले मैं सारा सामान जो इकट्ठा करके रखी हूँ पहले आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे सामान हमने अरेंज करके रखे हैं। तो कल के लिए मैंने सब पहले सोच लिया कि कल क्या क्या खाना बनेगा, उसकी तैयारी आज रात में कुछ कुछ कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या कल पहनने वाली हूँ। तो चलिए पहले वो आपको दिखाती हूँ कि मैं कल क्या पहनूंगी। ये देखिए, ये है हमारी साड़ी, ये सिल्क साड़ी है। ये साड़ी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। मुझे येलो कलर वाकई बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा। ये दो शेड में है, ये इसका पिंक पूरा आंचल है और ये पूरा साड़ी ये ऐसे है, नीचे बॉर्डर लाइन है। ये देखिए, ये पूरा प्लेन का बॉर्डर है और थोड़ा सा यहाँ पे गोल्डन डिजाइन है। मैं इसे थोड़ा सा खोल के आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी साड़ी ऐसे आएगी, इधर आंचल है ये पूरा और ये पूरी साड़ी, ये पूरी साड़ी इस टाइप से आएगा। ये जैसे देखिए, छोटे छोटे प्रिंट हैं। तो मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छा लगा है, तो कल के लिए मैंने यही साड़ी निकाला है। जब भी मैं इंडिया से आती हूँ, तीज हो, करवा चौथ हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसके लिए साड़ी पहले से अरेंज करके लाते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये साड़ी जरूर बताइएगा। चलिए अब इसका दिखाती हूँ, ये ब्लाउज है उसका। ये देखिए, ये हमने बाजू पे गोल्डन वर्क दिया है। इसमें जो ब्लाउज था वो एकदम प्लेन था, तो मैंने प्लेन ब्लाउज को हटा दिया, रिमूव कर दिया और इसकी जगह पे हमने ये कपड़े खरीद के, मैचिंग कपड़े खरीद के, इस पे गोल्डन वर्क है, ये बहुत सुंदर लगा। और यहाँ पे हमने त्रिकोण वाला डिजाइन दिया है। ये देखिए, इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, रात में इसका लाइटिंग बहुत जबरदस्त होता है। तो ये हमारा ब्लाउज है, इस टाइप के लटकन लगवाया है। तो ये रहा साड़ी और ये हमारा ब्लाउज हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, बैंगल का सेट दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने सबको एक जगह अरेंज करके रख दिए ताकि हमें कल आसानी से सब कुछ मिल जाए। पिंक और येलो का हमने कॉम्बिनेशन किया है। तो एक सेट पूरा निकाल के मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, और बीच में हमने एक यहाँ पे बाला लगाया है। ये देखिए, मस्त लग रहा है एकदम साड़ी का। ये देखिए, साड़ी का एकदम मैचिंग मैचिंग हमने पूरा कॉम्बिनेशन सेट किया है। जिस समय इंडिया से आते हैं, जैसा साड़ी वैसा चूड़ी फिर लेके आते हैं ताकि आराम से कॉम्बिनेशन लगा सके और अच्छा दिखे। तो ये हमारा पूरा बैंगल्स इस साड़ी से मैचिंग हो चुका है। साड़ी में गोल्डन है तो हमने यहाँ पे गोल्डन भी मिक्स किया है। देखिए, गोल्डन बैंगल भी मिक्स किया है और पिंक और येलो, ये तीनों हमने मिक्स किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ, यहाँ तो उतना अवेलेबल नहीं हो पाता जितना ला सकते हैं, ला के पहनते हैं, बट मैं हमेशा कोशिश रहता है, जब भी इंडिया जाऊंगी मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि मैं पूरी हाथ भर के चूड़ी पहनूं। मुझे बैंगल्स का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे हमने एक चुन्नी लिया है। ये देखिए, और ये चुन्नी हमारी शादी की है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला सेक्शन में हमारा ज्वेलरी है। तो चलिए शेयर करते हैं पहले ज्वेलरी आप लोग के साथ।
सबसे पहले इयररिंग्स जो मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ, ये वाली दिखा चुकी हूँ जो मैंने कल के वीडियो में गया था, जो मैंने ऑनलाइन मंगाया ये वाली। तो ये वाली इयररिंग पहनने वाली हूँ मैं साड़ी पे। चलिए हमारे इयररिंग्स हो गए, अब चलते हैं नेकलेस की तरफ। नेकलेस हमने ये वाले लिए हैं, ये देखिए। तो ये हमारा नेकलेस है। नेक्स्ट हमने एक और यहाँ पे नेकलेस लेके रखा है, तो अभी डिसाइड करना है कि ये कैसा लगेगा। देखूंगी डाल के, अगर ठीक लगा तो ओके, अदरवाइज एक ही रहने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने ये एक पेंडेंट है, ये दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला। इसको मैं हर बार पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला बहुत पसंद है। चलिए तो हमारा नेकलेस सेक्शन हो गया, अब चलेंगे यहाँ पे। ये हमारा है मांग टीका है, जो अभी हमारे पास एक ही अवेलेबल है। ये राजस्थानी लुक में है, ये मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे हमने एक रिंग लिया है, फिंगर रिंग है, इतना बड़ा, एक पहन लो काफी है। यहाँ पे हमने एक ये साड़ी पिन लिया है। और नेक्स्ट चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये नोज पिन लिया है, और ये न्यू है। करवा चौथ में एक चीज तो नया होना ही चाहिए, एवरी ईयर जब भी मैं करवा चौथ करती हूँ एक नोज पिन जरूर न्यू करती हूँ। एक नोज पिन और एक और दिखाती हूँ, और ये बिछिया, एक नोज रिंग और एक बिछिया, दो हम नया पहनते हैं एवरी ईयर। और यहाँ हमारे ये पायल है। तो चलिए ये हमारा ज्वेलरी सेक्शन हो गया, अब चलते हैं मेकअप की ओर। मेकअप के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेकअप के लिए सबसे पहले हमने यहाँ फाउंडेशन लिया है, लोरिया का है ये फाउंडेशन। एक यहाँ पे हमने विटामिन सी लिया है फेस के लिए, ये हमारा प्राइमर भी है और मेकअप सेट का स्प्रे भी है, दोनों हमारा ये मिक्स वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमने कलर का कंसीलर लिया है, यहाँ पे कलर का ही कंटूर लिया है। तो कंटूर सबको यूज नहीं करते हैं, मैं भी बहुत कम करती हूँ। और यहाँ पे रोज का हमने हाइलाइटर लिया है, यहाँ पे हम मैनहट्टन का मस्करा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने एक लिपस्टिक लिया है, जो सबको अरेंज करके मैं रखी हूँ ताकि मुझे कल इधर उधर कुछ भी ना करना पड़े। और यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट लिया है, एक लोरिया का ही है कॉम्पैक्ट। एक नेल पॉलिश हमने लिया है, सिंदूर लिया है, और ये यहाँ पे हमने आई शेडो लिया है, और एक काजल लगाने के लिए। और यहाँ पे ये हमारा मेहंदी, जो आज मैं लगाने वाली हूँ रात में मेहंदी। तो ये हमारा हो गया पूरा मेकअप का। ये हमारा पूजा का थाली है, करवा चौथ का थाली, ये हमारा थाली है, ये देखिए। इसको हम ऑनलाइन परचेज किए अमेजन से, इसका जो लटकन है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा इसका। और ये रहा हमारा छन्नी, चांद को देखने के लिए, चांद को देखने के बाद फिर अपने हस्बैंड को देखेंगे। और हमने यहाँ पे एक कलश लिया है, और यहाँ पे दो करवा रखना रहता तो एक करवा हम बाद में ऐसा लिए हैं, और एक ये है। और यहाँ पे एक जल के लिए हमने लोटकी लिया है। और ये देखिए, ये है करवा चौथ का कैलेंडर, इनका पूजा होता है और शंकर भगवान के पूरे फैमिली का पूजा। तो यही रहा हमारा आज का वीडियो करवा चौथ प्रिपरेशन का, मैंने सब कुछ अरेंज किया जो आप लोग के साथ शेयर करना था। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रिपरेशन ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, बाय बाय, सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ।